वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संतत आवेश वितरण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व और आयतन घनत्व के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग आज के टॉपिक पे VVI का मार्क लगा लेंगे। आज का जो टॉपिक का नाम है गॉस का प्रमेय, गॉसेज थ्योरम को लिखें और प्रमाणित करें। बोर्ड एग्जाम में जो 12th का बोर्ड एग्जाम है उसमें ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको आज अच्छी तरीके से देखेंगे। बोर्ड एग्जाम का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार आया हुआ क्वेश्चन है। आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स बोर्ड में क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए आप इस पे VVI का मार्क लगा लेंगे। अब जो है जो क्वेश्चन हमारा है वह है गॉस का प्रमेय, मतलब गॉसेज थ्योरम को लिखें और प्रमाणित करें। अगर आप NCERT की बुक पे जाएं तो NCERT की बुक में इसी चीज को लिखा हुआ है, गॉस नियम को लिखें और प्रमाणित करें। गॉस नियम वही गॉसेज लॉ, ये दोनों क्या है, गॉस नियम या गॉस का प्रमेय, दोनों सेम है, इसलिए अगर इस नाम से भी अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप सेम यही चीज लिखेंगे। कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि प्रमेय नियम में अंतर करके, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, बस आप याद रखिए गॉस का प्रमेय आया चाहे गॉस नियम आया आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब पाई, पृष्ठ के भीतर कुल आवेश मतलब क्यू और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो कुल वैद्युत फ्लक्स जो है किसी बंद पृष्ठ में, तो बंद पृष्ठ मतलब इस टाइप का हो सकता है, ये बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ का मतलब होता है ये खुला हो गया, यहां से खुला है और ये क्या है बंद है। बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ क्लियर है, बंद पृष्ठ में चारों तरफ से घिरा हुआ पृष्ठ होगा तो उसको हम लोग कौन सा पृष्ठ कहेंगे, बंद पृष्ठ कहेंगे। तो बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब पाई का जो मान होता है वह मान इस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, इस पृष्ठ के भीतर अगर कुल आवेश अगर हम मान लें क्यू, किसी बिंदु पर क्यू आवेश है, तो कुल आवेश और इप्सिलॉन जीरो, इप्सिलॉन जीरो किसे कहते हैं, तो इप्सिलॉन जीरो मतलब होता है निर्वात की परावैद्युता, जिसको हम लोगों ने कहां पढ़ा था, कूलम्ब प्रमेय में पढ़ा था, तो इप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात गॉस का प्रमेय क्या करता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर आवेश, कुल आवेश मतलब क्यू और इप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पाई इक्वल टू क्यू बट्टा इप्सिलॉन जीरो, इसे ही क्या कहते हैं गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं, जहां इसे ही गॉस का प्रमेय या गॉस नियम कहते हैं। क्लियर है, जहां इप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की परावैद्युता है, जहां इप्सिलॉन जीरो निर्वात की परावैद्युता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार फिर से इतना को देख लेते हैं, गॉस का प्रमेय क्या है, तो गॉस का प्रमेय कि विद्युत क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, उसके भीतर जो भी आवेश है वो कुल आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पृष्ठ पर जो फ्लक्स लग रहा है वो फ्लक्स बराबर आवेश बट्टा एप्सिलॉन जीरो, इसे ही गॉस का प्रमेय या गॉसेज नियम कहते हैं। यहाँ जो एप्सिलॉन जीरो है वह निर्वात की परावैद्युता है या वैद्युत्सेविता है।
क्लियर है, गॉस का प्रमेय हम लोगों ने कर लिया, मतलब इस क्वेश्चन का आधा भाग हम लोगों ने लिखा वाला कर लिया, मतलब गॉस के प्रमेय को लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसको प्रमाणित करना है, मतलब इसको प्रूफ करना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। तो गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बंद पृष्ठ हमें चाहिए, तो हम एक बंद पृष्ठ को बना लेते हैं। ठीक है, गोलाकार बना सकते हैं, किसी भी आकार का मैंने बोला है, बंद पृष्ठ है तो कोई भी आकार का हो सकता है। अब इस बंद पृष्ठ पे इसका नाम रख देते हैं, बंद पृष्ठ का नाम हमारा क्या हो गया, S। इस बंद पृष्ठ का नाम हो गया S। इसके किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु जो O है, उस पे हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है। जब इस पे प्लस क्यू आवेश होगा तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी, बल रेखाएं जो निकलेगी, वो इससे बाहर की तरफ क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। अर्थात इसमें जो E की दिशा होगी वो किधर होगी, E की दिशा इस बिंदु से बाहर की तरफ ऐसे गोला की तरफ बाहर निकलेगी। ठीक है, अब हम इस रेखा पर O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और इस बिंदु पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। इस बिंदु पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ठीक है, इस अल्पांश क्षेत्र को हम लोग क्या ले लेंगे, इस अल्पांश क्षेत्र का नाम हम लोग ले लेंगे डेल्टा एस। ये जो अल्पांश क्षेत्र है उसका नाम क्या हो गया, डेल्टा एस। क्योंकि अल्पांश क्षेत्र हमने बोला कि एस हो गया पूरा क्षेत्र, तो अल्पांशीय मतलब छोटा सा क्षेत्र, उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस जो होगा उसकी जो दिशा होगी किधर होगी, तो आप देख रहे हैं कि यहां से इस टाइप से ये बाहर की तरफ बड़ा हो रहा है, अर्थात जो इसकी दिशा होगी वो भी इसी टाइप इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, अर्थात जो इसकी दिशा होगी वो भी इसी के जैसे ही, ई के जैसे ही, ई के सदिश होगी, मतलब जिधर ई की दिशा होगी उधर डेल्टा एस की दिशा होगी। तो हम लोगों ने जो चीज लिखा उसको हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि एस एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, एस एक बंद पृष्ठ है जिसके एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर एक अल्पांशीय क्षेत्र, जिस पर एक अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा, अल्पांशीय क्षेत्र जो हमारा क्या है, डेल्टा एस स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्षेत्र था वैसा हम लोगों ने लिख लिया। क्या S एक बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर एक अल्पांशीय क्षेत्र है। क्लियर, अब हम जानते हैं कि O से अगर R दूरी पर अगर बिंदु P है तो P पर E का मान कितना होगा, तो यही लिखेंगे यहां पर। इसलिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर। E बराबर क्या होगा, तो अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा था E बराबर क्या होता है, एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन जीरो प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है, पढ़ा था आप लोगों ने, तो एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बट्टा
आर स्क्वायर, ये ई का मान हो गया, पहले से ही पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस क्यू आ गया तो प्लस क्यू बटा आर स्क्वायर, ई का हो गया मान, हो गया। अब हम जानते हैं कि जो ये फ्लक्स है, जो इसके भीतर जो गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र रहता है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं, तो फ्लक्स की परिभाषा से लिखेंगे। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक अल्पांशीय क्षेत्र ds की कल्पना की जाए तो ds और E के गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, अर्थात डेल्टा फाई वैद्युत फ्लक्स बराबर E इंटू डी डेल्टा s। अगर आपको देखना है तो इससे पहले दो वीडियो वाला जो आपको वैद्युत फ्लक्स का डिफरेंशियल लिखवाया गया था वहां आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पढ़ाया गया था कि वैद्युत फ्लक्स बराबर E इनटू क्या होता है, ds होता है। अब आपको मैंने एक और चीज बताया था, जब यहाँ पे इनटू हो मतलब अदिश गुणन हो, अदिश गुणन होता है तो हम क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं, और अगर सदिश गुणन होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा लिखते हैं। तो यहां देखना है अदिश गुणन है तो क्या हो जाएगा, सदिश हट जाएगा, e डेल्टा s सदिश तोड़ क्या दोनों का और क्या हो जाएगा cos थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई बराबर क्या हो गया, e इंटू डेल्टा s इंटू cos थीटा। बोलिएगा cos थीटा कहां से आया, तो cos थीटा e और ds के जो अदिश गुणन था उसका था, जहां थीटा e और सदिश e और सदिश ds डेल्टा s के बीच का कोण है, क्या है, इसके बीच का कोण है कौन, थीटा जो है वो किसके किसके बीच का कोण है, E और डेल्टा S के बीच का कोण है। अब हम चित्र में ध्यान देते हैं, E और डेल्टा S के बीच में कोण किधर है, तो E की भी दिशा इधर है और डेल्टा S की दिशा इधर है, अर्थात E की जो दिशा वो ऐसे है E, और उसी पर डेल्टा S की भी दिशा है, अर्थात दोनों की दिशा एक ही रेखा पर है, अर्थात दोनों एक दूसरे को संपाती कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा का मान जीरो, अर्थात यहां लिखेंगे कि सदिश, चूंकि सदिश ई और सदिश डी एस दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, जीरो डिग्री होगा। जब थीटा का मान जीरो डिग्री होगा तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस जीरो डिग्री, cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो E into delta S into A, तो 1 तो खत्म हो गया, क्या बचा, E into delta S, ये हमारा किसका मान आ गया, किसका मान आ गया, ये phi का मान आ गया, क्लियर है। अब आपने ऊपर पढ़ा E का मान क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4π0 q बटा आर स्क्वायर, इस मान को रखने पर ये कौन सा समीकरण मान है, समीकरण दो मान लेते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग का था, तो समीकरण नंबर ये दो हो गया, तो लिखेंगे समीकरण दो का मान रखने पर, मिटा दें इसको ऊपर से, पहले यहां तक मिलवा देते हैं, फिर से देख लीजिए, माना कि एक बंद पृष्ठ एस है जिसकी किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हम लोग को एक अल्पांशीय क्षेत्र डेल्टा एस की कल्पना की गई है, डेल्टा एस और ई की दिशा दोनों एक ही दिशा में, अर्थात दोनों के बीच का कोण कितना होगा, थीटा का मान जीरो डिग्री होगा, ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देखिए,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत तीव्रता होगी क्षेत्र होगा वो एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बट्टा क्या होगा आर स्क्वायर। समीकरण नंबर दो। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की परिभाषा डेल्टा एस बराबर ई इंटू डेल्टा डेल्टा फाइव बराबर ई इंटू डेल्टा एस होता है। ये दोनों वेक्टर में है, जब वेक्टर में अदिश गुणन होता है तो इसमें क्या आ जाता है cos theta आ जाता है, तो e delta s cos theta। परंतु यहाँ theta जो है e और delta s के बीच का कोण है। चित्र में अगर देखें तो delta s और इसके बीच का कोई भी कोण नहीं बन रहा, मतलब theta का मान कितना होगा जीरो डिग्री। तो जीरो डिग्री तो क्या हो गया डेल्टा फाइव बराबर ए इंटू डी एस। मैं इतना ज्यादा कर दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक को हटा दीजिए एक नहीं लिखेगा तो डायरेक्ट आपका एक लाइन यहीं पे कम हो जाता, ठीक है डेल्टा फाइव बराबर इतना हो गया। अब लिखेंगे E का मान रखने पर, मिटा देने ऊपर से, ठीक है समीकरण दो का मान रखने पर। चलिए दो देखिए क्या है समीकरण दो, डेल्टा फाइव बराबर E का मान है एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन जीरो, E का मान कितना है क्यू बट्टा आर स्क्वायर फिर डेल्टा एस इंटू में डेल्टा एस है, ठीक है हो गया इतना हमने E का मान को भी उतार दिया। अब ध्यान दीजिए ये क्या है डेल्टा पाई का मान है, अर्थात ये भी अल्पांशीय वैद्युत फ्लक्स है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना होगा कुल वैद्युत फ्लक्स का। लिखेंगे अच्छा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक्स ठीक है कुल वैद्युत फलक। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कुल वैद्युत फलक्स अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आप क्या करना होगा डेल्टा फाई और इसको आपको क्या करना होगा समाकलन करना होगा, क्या करना होगा समाकलन करना होगा। तो समाकलन का चिन्ह आप रेखीय समाकलन के रूप में लिखेंगे, ठीक है रेखीय समाकलन डेल्टा फाई आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं या आप चाहो तो समाकलन को हटा करके क्या लिख सकते हो ऐसे करके लिख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप में बोलूंगा कि जब कुल फैक्टर प्लस लिख रहे तो डायरेक्ट आप क्या लिखिए फाई बराबर सिग्मा, चाहे सिग्मा लिख लीजिए सिग्मा एक बटा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर स्क्वायर डेल्टा एस हो गया। यहां पे अगर बात करें तो क्यू जो है वो कुल वैद्युत फ्लक्स है, आर जो है वो दूरी है, मतलब ये कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। इसमें जो डेल्टा वाला पार्ट कौन सा है ये है, तो ये अंदर आ जाएगा तो एक बटा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एस सिग्मा डेल्टा एस, ठीक है सिग्मा डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस बराबर एक बटा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर स्क्वायर सिग्मा सिग्मा मतलब कुल होता है योग होता है कंप्लीट, तो सिग्मा डेल्टा एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कुल मतलब एस लिख सकते हैं अर्थात एस हो गया। तो एस मतलब क्या होता है एस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का ये कौन सा है गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा चार पाई आर स्क्वायर, तो एस का मान रख देंगे यहाँ पर एक बटा चार पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू चार पाई आर स्क्वायर, क्यों क्योंकि चूंकि एस बराबर क्या होगा गोले का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका मान कितना आता है चार पाई आर स्क्वायर, चार से चार कट गया पाई से चार से चार कट गया पाई से कट गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, मतलब पाई बराबर कितना आ गया पाई बराबर ऊपर बचा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात पाई का मान आ गया पाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन जीरो, और यही कौन सा प्रमेय है गॉस का प्रमेय है। यानी इस प्रकार गॉस का प्रमेय प्रमाणित हुआ,
लिख देंगे इस तरह, कंप्लीट हो गया, यह आपका गॉस का प्रमेय कंप्लीट हुआ। अगर इतना अच्छी तरह आप बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ अच्छी तरीके से देख लिया होगा। अगर किसी प्रकार के इसमें डाउट आ रही होगी तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।